मुझे जाने दो। लेट मी गो। अरे बच्चे को थोड़ा जूता पहना दो ना। हेल्प द चाइल्ड टू पुट ऑन द शूज। मुझसे बात मत करो। डोंट टॉक टू मी। मुझसे खाना मत बनवाओ। डोंट मेक मी मेक फूड। तुम क्या कर रही हो? व्हाट आर यू डूइंग? तुम कल कहाँ थी? वेयर वर यू यस्टरडे? क्या इस कमरे को रोज साफ किया जाता है? इज दिस रूम मेक गेट क्लीन डेली? इज दिस रूम क्लीन्ड डेली? नॉर्मल था, पैसिव था। ओके तुमने उसे कल क्यों पिटवाया? व्हाई डिड यू गेट हिम बीटन यस्टरडे? क्या यहाँ रोज चाय बनाई जाती है? इज टी कुड डेली हियर? मेड हियर डेली। इज टी मेड हियर डेली? ओके मैं इस काम को करवा दूंगा। आई विल गेट दिस वर्क डन। तुम्हें इस काम को करवाना चाहिए था। यू शुड गेट दिस वर्क डन। यू शुड हैव गॉट दिस वर्क डन। शुड हैव गॉट। तुमने मुझसे पत्र क्यों लिखवाया? व्हाई डिड यू मेड मी राइट द लेटर? मेक मी राइट द लेटर? मेक मी। मुझसे ही क्यों खाना बनवाया जाता है? व्हाई एम आई मेड टू कुक द फूड? यार 2 साल से मैं तुम्हारे लिए तो काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग फॉर यू फॉर 2 ईयर्स। ओके अब मैं तुम्हारी नौकरी को क्विट करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू क्विट योर जॉब। तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट टॉक टू मी। मैं आऊँगा। आई विल कम। यार मुझे कुछ करना है। आई हैव टू डू समथिंग। तुम्हें कुछ करना चाहिए। You should do something. तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। You don't need to do anything. क्या मुझे कहीं जाने की ज़रूरत है? Do I need to do something? Do I need to go somewhere? ठीक करेक्ट। चल कमिंग टू भावना। रेडी भावना? Yes, sir. तुम कौन हो? Who are you? तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? Am I your friend? मुझे क्यों टॉर्चर किया जाता है? Why am I made to torture? Normal passive nee. था ये normal passive. Why am I tortured? Why am I tortured? Okay sir. हाँ मुझसे क्यों पानी भरवाया जाता है? अब आ जाओ passive उसमें conditional में causative में sorry. मुझसे क्यों पानी भरवाया जाता है? Why am I made to fill the water? Okay मुझसे क्यों खाना बनवाया जा रहा है? बनाया जा रहा है। Why am I made? उसे क्यों बनाया? Why am I being made? Why am I being made to cook food? और कल मुझसे क्यों चाय बनवाई गई? Why I was made to make tea? Why was I made to make tea? Okay. Okay. मुझे तुम चाहिए। Want you. हाँ और तुम्हें वहाँ होना चाहिए था। You should have been there. Correct, correct, correct. तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? Where should you go? यहाँ आओ। Please come here. अरे सुनो ना जरा पैर दबा दो ना। Hey listen, please press my legs. अरे ये वही भावना है ना जो कहती मुझे हंसी आती है, यही है ना? नहीं ओके अच्छा अल्मीरा खोलो देखो उसमें आयोडेक्स है। हे लिसन ओपन द अल्मीरा एंड सी देयर इज अ आयोडेक्स इन द अल्मीरा। अरे नहीं यहाँ आयोडेक्स नहीं है। देयर इज नो आयोडेक्स इन द अल्मीरा। अरे मैंने आयोडेक्स वही तो रखवाया था। आप फंस गए। रखवाया था। I got the iodex in the almira. I got the iodex kept there. Kept there, okay. बहुत अच्छा 2 मिनट हो गए आपके सुपर ठीक। कमिंग टू रिंकी। ओके सर। ओके चलिए 3 2 1 तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? तुम कहाँ जा रहे थे? Where were you going? तुम कहाँ जा रहे होंगे? Where will you going? Where will you be going? Going? Okay. Yes sir, be going. Yeah. Okay. कल रात वो कहाँ जा रही होगी? शायद। कल रात वो कहाँ जा रही होगी? Where where might have been?
where might she have been? Where might she have been going? क्या कल रात उसने खाना खा लिया होगा? Might she have? Might she have eaten food? Okay. इसको normal act normal कर देता हूँ positive sentence. कल रात उसने खाना खा लिया होगा. She might have eaten food last night. सोनू ने इस कुर्सी को तोड़ा होगा. सोनू would be broken this chair. ना मुझे लगता है मॉडल सिखाना ही पड़ेगा, गलत जा रहा है. ओके अच्छा शायद सोनू कमरे में है. Maybe Sonu in the room. दो तरीके, अगर maybe लगा ही दिया है तो maybe Sonu, फिर is भी लगाना पड़ेगा. Is in the room. अच्छा is in the room. और अगर वो वाला maybe नहीं लगाना हो, normal कहना हो कि she नहीं तो she maybe कर दो, फिर she maybe in the room, she would be in the room. She maybe in the room. दो maybe होते, एक maybe होता है ना, एक may और be में space नहीं होता है, वो हम शुरू में लगाते हैं. जैसे हम कहते हैं मे बी शी इज़ ब्यूटीफुल, मे बी शी इज़ गुड, मतलब हम स्टेट ऑफ बीइंग भी लगा रहे हैं और मे बी अलग से लगा रहे हैं. Okay, तो जो मे बी है वो परहैप्स वाली फीलिंग देता है. नाम सुना होगा? तो ये मॉडल्स हैं ना सारे? ये सारे मॉडल्स हैं, लेकिन मे बी जो है वो दो प्रकार के हैं. एक तो मे उसके एक, बगल एक में शायद वाला होता है. हाँ, जो हो सकता है वो होगा ऐसा करके, है ना सर? जी जी जी, मतलब एक तो मॉडल आ गया जिसमें पूरा मे है, उसमें बी लगाओ, उसमें हैव लगाओ, कुछ भी लगाओ, है ना. और एक बना बनाया मे बी है, चॉकलेट की तरह खरीदो लगा दो मे बी. अच्छा, जैसे हमने बोला या मे बी मतलब हाँ हो सकता है. वो एक इकलौता मे बी है, वो उसको पहचानने का एक तरीका बना बनाया है. उसमें मे और बी के बीच में स्पेस नहीं होगा. गूगल पे आप सर्च कर लेना, बिना स्पेस का मे बी लिखना, वो अलग एक वर्ड है. वो उससे भी स्टार्टिंग में लगता है, बाकी आप किसी भी टेंस में लगा दो. जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट बोलना है, उसने खाना खा लिया है, तो हम कैसे बोलते हैं? ही हैज ईटन फूड बोलते हैं ना. अब मुझे बोलना है शायद उसने खाना खा लिया है, वो शायद के लिए मे बी लगा दो शुरू में. अब बाकी सेम रखो, शुरू में ऐसे ही लगा, मे बी. हाँ, मे बी ही हैज ईटन फूड, बस. तो अब पता चला है बना बनाया है, एक बस लगा देना है. हाँ, ये बना बनाया, इसका कोई चेंजेस नहीं है, वो वैसे ही रहेगा, है ना. ये किसी भी टेंस में अलाउड है ये. ओके, और अगर कोई बोले कि नहीं मुझे टेंस हटा दो, मॉडल में ही बना के दिखाओ कि शायद उसने खाना खा लिया है, तो ही माइट हैव ईटन फूड, यही होगा ना, ही मे हैव ईटन फूड. ये मैं आपको समझा रहा था, ठीक है जी. चलिए चलिए अभी रैपिड फायर करते हैं. ओके, मुझसे खाना मत पकवाया करो भाई. डोंट मेक मी कुक फूड. अच्छा, एक काम करो ना, लिसन ना, घड़ी की बैटरी बदलवा दो. लिसन, डू सम वर्क, चेंज घड़ी की बैटरी बदलवा दो. चेंज द बैटरी ऑफ द वॉच. इसका मतलब तो हो गया खुद बदल दो. ओके, नहीं सर, मैं गेट द बैटरी चेंज, गेट द बैटरी चेंज ऑफ द वॉच. यस, इस खिड़की को बंद करवा दो, खुद मत करो, करवा दो. ओके सर, गेट दिस विंडो क्लोज. ओके, मेरे कपड़े धुलवा दो. ओके, गेट माय क्लोज वॉश. मेरे कपड़े मुझसे मत धुलवाओ यार. डोंट गेट माय क्लोज वॉश्ड बाय मी. यस, करेक्ट है. ओके, मुझसे पोछा मत लगवाओ. ओके, डोंट गेट मॉब्ड. या तो डायरेक्ट मेक लगा के बोले ना, अच्छा लगे. डोंट मेक मी, डोंट मेक मी मॉब्ड द फ्लोर. मॉब द फ्लोर, यस. ओके, मुझे मत रुलाओ यार. Don't make me cry. मैं तुम्हें नहीं रुला रहा हूँ. I'm not making you cry. मुझे रुलाने की कोशिश भी मत करना. Don't try to make me cry, okay? Okay, काफी टाइम हो गया. 3 मिनट तो मुझे समझाने में लगे, मे बी 5 मिनट हो गया टोटल. ये वही मैं कंफ्यूजन, मतलब उसको मैं प्रेजेंट में लेके चलूं या वो खा चुका है, मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था सर. यस, मुझे तो बहुत सीखना है रिंकी, बहुत काम बाकी है. यस सर, अभी बहुत है सर, मॉडल्स में भी बहुत है सर.
बस सही अभी तो इसी में इतना कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा अभी तो यही दिमाग घुसाने में बहुत टाइम लगता है सर काम कौन कर रहा है किससे करवा रहा है सभी कुछ ये टफ तो है कॉजिटिव और कंडीशनल ये दोनों टफ है कंडीशनल तो फिर भी मुझे समझ आ जाते हैं सर बट ये पॉजिटिव आई यू नो बहुत टफ है मुझे कंफ्यूजिंग बहुत लगता है ओके चलिए तो अब आते हैं शीतल के पास अगर उनका सरदर्द सही है तो सर बट मैं ट्राई करूंगी है मुझे बहुत ज्यादा है लेकिन बट आई वांट टू ट्राई ठीक है छोटा छोटा आराम से करते हैं ओके मैं तुम्हें झुलाऊंगी झुलाने को स्विंग कहते हैं आई विल मेक यू स्विंग ठीक है मैं तुम्हें नचाऊंगी आई विल मेक यू डांस कल तुम मुझे हंसा रहे थे कल तुम मुझे हंसा रहे थे यू मेड मी लाफ यस्टरडे यू वर मेकिंग मी यू वर ओके हंसा रहे थे यू वर मेकिंग मी लाफ यस्टरडे ओके मुझे मत रुलाओ डोंट गेट मी क्राई मेक ही था सही डोंट मेक मी क्राई अच्छा डोंट मेक मी क्राई ओके मुझसे गाड़ी को धक्का मत दिलवाओ डोंट मेक मी पुश द कार मुझसे गंदे काम मत करवाओ डोंट ट्राई टू मेक बैड बैड अब तक काम क्या होगा बैड थिंग्स हाँ बैड थिंग ऐसा होना चाहिए ना डोंट मेक मी डू बैड थिंग्स हैं मुझसे खिड़की मत खुलवाओ डोंट मेक मी ओपन द विंडो खिड़की खुलवाओ मेक मी मेक जब डूअर है ही नहीं तो मेक आ ही नहीं सकता ओके नहीं तो यस गेट ओपन द विंडो टू गेट ओपन द विंडो जब गेट आता है तो सीधा गेट के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए गेट द विंडो ओपन गेट द विंडो ओपनड थर्ड फॉर्म ओपन कपड़े आयरन करवाओ गेट क्लॉथ आयरन गेट द क्लोथ्स आयरनड आयरन ओके पंखा हटवा दो गेट द फैन रिमूव्ड ठीक है दो मिनट हो गए बहुत अच्छा था वेरी गुड नहीं सर एक्चुअली मेक तो मेरा काफी मैंने किया था बट आगे मैंने किया नहीं क्योंकि मैं एक-एक चीज को क्लियर करते हुए चलना चाह रही हूं जबरदस्ती नहीं कि सारे एक साथ मिक्स कर लो और फिर आप सर कंफ्यूज हो जाओ सर ये कैसे होगा सर मैं उसे नचवाने वाला हूं आई एम अबाउट टू मेक हर डांस नहीं ये भी पैसिव ही है ना सर ना एक्टिव आई एम अबाउट टू मेक हर डांस नचवाने वाला हूं मतलब मैं खुद नचाऊं ओके ओके तो ये अबाउट वाले फैमिली में आ जाता ना सर मैं कराने वाला हूं यस अबाउट ठीक है कमिंग टू रोशन कुमार ठीक है रोशन चलो शुरू करें रोशन यस सर ओके कहां खेल रहे थे तुम वेयर वर यू प्लेइंग क्या तुम दो घंटे से खेल रहे थे Have you been playing cricket? Playing? Had you been खेल रहे थे ना? Had you been playing for 2 hours? Okay. मैं तुमसे नए कपड़े खरीदवाऊंगा. I will make you purchase new clothes. Good one. मैं तुमसे मतलब जैसे बंदा पार्क नहीं जा रहा है, तो मैं ऐसा कर दूंगी कि तुम पार्क जाओगे. कैसे होगा? I will make you go to park. Yes, yes. अब समझ में आया? कई बार हिंदी बोलना मुश्किल होता है रिंकी. Yes, sir. Yeah. कि मैं कैसे बोलता? मैं तुम्हें पार्क भिजवाऊंगी. क्या करूँ? भिजवाऊंगी. मैं तुम्हें जरूर पार्क भिजवाऊंगी. जाना ही पड़ेगा. ये तो यहाँ पे जरूर का भी डालना पड़ता है. जरूर. Okay. मैं तुमसे 100 किलो वजन उठवाऊंगी. I will make you 100 kg. Make you lift, lift, lift लगाना पड़ेगा. Lift, lift. ओके मुझसे इस तरह के मूव्स मत करवाया करो डोंट मेक मी दिस टाइप मूव आप ना एक्शन नहीं लगाते डोंट मेक मी डू अच्छा डू
such types of moves. Okay, मैं इस कमरे को स्टूडियो में तब्दील करवा दूंगा. Okay, I will get this room convert the studio. फिर converted करना पड़ेगा. Converted हाँ. और फिर जब कोई एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाए तो preposition into लगता है. तो क्या हो जाएगा into a studio. ओके, मैं इस अलमीरा को दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा दूंगा. आई विल गेट दिस अलमीरा शिफ्टेड इनटू द शिफ्टेड शिफ्टेड इनटू द अनदर रूम. ओके, मैं तुम्हारे बाल कटवाऊंगा. आई विल गेट योर हेयर कट. कल मैंने अपने बाल कटवाए. I got my hair cut. I got my hair cut yesterday. Yesterday. Okay. कल रात मैंने उससे खाना बनवाया. Yesterday night I made him cook food. ठीक. अच्छा. चलो. नकबीर. Yes sir. Ready? Yes sir. मुझसे कुछ मत करवाओ प्लीज. डोंट मेक मी डू एनीथिंग. ओके, मैं तुमसे ही चाय बनवाने की कोशिश करूंगा. आई विल ट्राई टू मेक टी तुमसे ही. सॉरी, I will try to make tea. नहीं आएगा. I will try to make you make tea. Make you. Okay. ठीक है. मुझसे गवाने की कोशिश मत करो. Don't make me sing a song. इस टोपी को यहाँ से हटवा दो. Please get this cap removed here. और ये स्टिकर यहाँ पे चिपकवा दो. घड़ी को यहाँ से हटवा दो और गिटार टंगवा दो. प्लीज गेट दिस वॉच रिमूव्ड एंड प्लीज गेट कैप न्यू. प्लीज गेट क्या रखवा दो बाद में. गिटार टंगवा दो, मतलब हैंग करवा दो. ओके, प्लीज गेट दिस चेयर हैंग. गिटार कोई नहीं. गेट वन हिट गिटार हैंग हेयर. ओके फाइन. सारे पर्दों को धुलवा दो. सारे पर्दों को धुलवा दो. प्लीज गेट ऑल द कर्टन्स वॉश. लेकिन मुझसे पर्दों को मत धुलवाओ. But don't make me wash all the curtains. Okay. Fine. Good. Sir, actually मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो इसलिए चला रहा हूँ. Oh my God, see, इतने I love these students. इतनी मेहनत आप लोग करते हो guys. Amazing. ये आपको लगता है कि आपने स्कूल लाइफ में ऐसा किया होगा? इतनी मेहनत नहीं किया होगा. इतनी मेहनत करते तो हम कहाँ होते. स्कूल में टीचर होते ना. पढ़ाई किया था. Yes. You were. Yes. If you were our teacher, ना sir. We would have done like this kind of thing. Yes, and we would have fun. तब भी हम ऐसे fun में पढ़ते हैं. Yes, sir. Yes, exactly. Fine. Now coming to Vandana. आजा जी. Yes, sir. Vandana. Okay. चलिए. 3, 2, 1. तुम्हारे पास क्या है? What do you have? मेरे पास तुम्हारा number है. I have your number. मुझसे उसे phone मत करवाओ यार. Don't make me call him. Good one.
ओके, मुझसे चिट्ठी मत लिखवाओ. डोंट मेक मी राइट अ लेटर. एक चिट्ठी लिखवाओ ना. प्लीज राइट अ लेटर. ना ना लिखवाओ, लिखो मत, लिखवाओ. प्लीज मेक मी राइट अ लेटर. प्लीज गेट अ लेटर रिटन. प्लीज गेट द लेटर रिटन बाय मी. पंखा रिपेयर करवा दो. गेट द फैन रिपेयर्ड. क्या तुमने गाड़ी रिपेयर करवा ली. डिड यू गेट द कार रिपेयर्ड. ओके, उसके कपड़े को उतरवा लो. गेट हिज क्लोथ्स रिमूव्ड. टेक ऑफ. टेकन ऑफ. टेकन ऑफ. ओके, तो फिर ये कैसे बनेगा कि मैं उसकी खाल उतरवा लूंगा. सुना होगा. I will get his skin removed. अच्छा, सीखने का मजा भी है. आप कुछ बना सकते हो. है तो सही. इंटरेस्टिंग. ओके, मुझसे मतलब मुझे फोर्स मत करो कि मैं फर्श पे सो, मतलब फ्लोर पे सो. डोंट फोर्स मी स्लीप ऑन द फ्लोर. डोंट मेक मी स्लीप ऑन द फ्लोर. ये कहना था, मैंने हिंदी नहीं बोला. ओके, मुझसे ही सारा काम क्यों करवा रही हो तुम. व्हाई आर यू मेकिंग मी डू ऑल द वर्क. अब मेक का पैसिव है कि मुझसे कपड़े धुलवाए जाते हैं. आई एम मेड वॉश द क्लोथ्स. ना ना, आई एम मेड टू वॉश. वन टू लगता है. मेड टू वॉश. आई एम मेड टू वॉश क्लोथ्स. मुझसे बर्तन धुलवाए जाते हैं. आई एम मेड टू वॉश द डिशेस. डू द डिशेस. उससे गाना गवाया जाता है. आई एम सेंग अ सॉन्ग. उससे गाना गवाया जाता है. ही सर एक मिनट. ही वाज ही इज बीइंग सेंग अ सॉन्ग. गलत. ही इज मेड टू सिंग अ सॉन्ग. बस चलो. शिवानी. ए शिवानी. यस सर. आ जाओ. तुम कौन हो. हु आर यू. तुम कोथाए हो, कहाँ हो. वेयर आर यू. वेयर आर यू. तुम कैसे हो. हाउ आर यू. तुम्हें क्यों पीटा गया. व्हाई डिड यू बीटन. गलत. नहीं, व्हाई वर यू बीटन. सही. ओके, तुमसे क्या करवाया गया. What were you get done. What were you made to do. अच्छा हाँ, made to do. तुमसे चाय क्यों बनवाई गई. Why were you made to cook tea. Make tea. Okay. मुझे परेशान मत करो. Don't make me tease. नहीं, तो normal था. Don't tease me, don't disturb me. Normal है. Okay. और मुझे परेशान किया जाता है. I am made to disturb. ये बड़ा गलत. मतलब क्या होता. मुझे किया जाता है. आई एम डिस्टर्ब. मतलब जब आप नया कुछ सीखते हो तो पुराना भूल जाते हो. कुछ गलत है ना सर. ये मेड तो जब से आ गया तब से कंफ्यूजन हो गई है. इससे करवाया जाता है. ओके, मुझे कुछ दिया जाता है. I'm given something.
और मुझसे ही कुछ दिलवाया जाता है? आई एम मेड टू गिव समथिंग. आप सही है. मुझे खिलाया जाता है. आई एम फीड. आई एम फेड. फेड. ओके. मुझसे किसी की मदद करवाई जाती है. आई एम मेड टू हेल्प अदर्स. गुड वन, गुड वन. रिकवर कर गई. ओके. तुमसे क्या करवाया जाता है? व्हाट यू मेड टू डू. What are you made to? What are you made to done? Made to do. Okay. उसको उसके घर से उठवा लो. मतलब उठवा लो. Kidnap करवा लो. Get him kidnapped from his house. Okay. Nupur, आ जाओ. सही. Yes sir. Okay. मैं कमरे में हूँ. I'm in the room. तुम कहाँ हो? Where are you? चाय पियोगे? Do you want to take tea? दूध है क्या? There is a milk. Is there milk? चीनी वाला पियोगे या गुड़ वाला? What would you like to eat? Sugar or without sugar? आप तो अभी eat ही बोलेंगे. वैसे चाय पीने को यहाँ पे take कहा जाता है, eat नहीं. बंगाली में eat होता है ना सर. ओके. सो क्या तुम्हारे इस कमरे को रोज साफ किया जाता है? क्या इस कमरे को रोज साफ किया जाता है? इज योर रूम क्लीन डेली? क्लीन्ड डेली. वेरी गुड, वेरी गुड. खिड़की खोल दो. ओपन द विंडो. दरवाजा बंद कर दो. Close the door. हवा अंदर आने दो. खिड़की से हवा अंदर आने दो. Air let air from the window. अच्छा, let the come, let air come in the come inside through the window. है ठीक है. मुझे बैठने दो. लेट मी सिट. ओके. उसे कपड़े पहनने में हेल्प करो. पुट ऑन द क्लोथ्स. मुझे परेशान मत करो. डोंट डिस्टर्ब. तुम अभी कहाँ हो? तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, आपके ऑडियो प्रॉब्लम है, बाकी टाइम भी हो गया. ठीक है, बिल्कुल 100 में से 100 तो नहीं है, कहीं कहीं कन्फ्यूजन है. बट चलिए, अभी रजनी आ जाओ तुम. रेडी रजनी? स्पीक लिटिल लाउडर. ओके सर. चलिए, मिक्स चल रहा है सब कुछ. कल तुम कहाँ थे? Where were you yesterday? क्या तुम उदास थे? Were you sad? क्या तुम अकेले थे? Were you alone? मैं जा रहा हूँ. I am going. मैं जाता हूँ. I go. मैं जाऊँगा. I will go. मुझे जाना चाहिए. I should go. शायद मैं जाऊँगा. Maybe I will go. क्या वो आएगी? Will she come? वो कहाँ है? Where is she? क्या वो जा रही है? Is she going? क्या वो खेल रही है? Is she playing? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ. I want to meet you. तुम कहाँ जाना चाहते हो? Where do you want to go? क्या तुम्हारे पास कुछ है? Do you have something? क्या तुम्हें बिठाया जाता है? क्या तुम्हें सुलाया जाता है? Are you made to sleep?
क्या तुमसे खाना पकवाया जाता है? आर यू मेड टू पकवाया जाता है? आर यू मेड टू कुक द फूड? उसे क्यों पिटवाया गया? व्हाई डिड ही मेड टू बीट? ये एक्चुअली थोड़ा मुश्किल है, जल्दी बनता नहीं, तो ये यूं कर लो, उसे क्यों पीटा गया? व्हाई डिड ही उसे क्यों पीटा गया? ओके, तुम सुबह से क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग सिंस नहीं सुबह से क्या कर रहे हो? व्हाट हैव यू डूइंग नहीं व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? ओके, उसे ब्रश करने में हेल्प कर दो। प्लीज हेल्प हिम टू ब्रश। ठीक, करेक्ट।